हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। तो आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि कल तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 देख लिया था, ठीक है। और आज जो है हम लोग 7.7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ढेर सारा मतलब कि 9-10 एग्जाम्पल करेंगे, फिर से जो है आपको एनसीईआरटी बुक बना लोगे, ठीक है। मतलब कि एक्सरसाइज 7.7 आपसे आराम से बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ठीक है। जो भी लोग नए बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल की घंटी को दबा लेना ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे और सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ हम लोगों ने देखो यहाँ पे सौ में स्पेशल इंटीग्रल्स लिखा है ना, तो सौ में स्पेशल इंटीग्रल जो है हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपने तो सौ में स्पेशल इंटीग्रल पढ़ाया था। तो बस उस दिन हमने 600 में स्पेशल इंटीग्रल पढ़ाया था, आज फिर से 3 स्पेशल इंटीग्रल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो जो 3 स्पेशल इंटीग्रल है यहाँ पे नोट है, और यही फॉर्मूला बस आपको अच्छे तरीके से जानना होगा, कॉपी पे लिखना होगा, रट लेना होगा, तब जाके आप अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन के मास्टर माइंड हो जाओगे। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया सिलेबस कब तक खत्म होगा, ठीक है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, अब हम बिहार बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है बिहार बोर्ड के लिए, सिर्फ बोर्ड पास करना है ना, और बोर्ड पास करना वो भी 90 प्लस मार्क्स से, 95-96 इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो हमको बोर्ड में अच्छे मार्क्स फोड़ना है, ठीक है। तो बोर्ड के लिए मात्र मात्र अब आपका कितना चैप्टर, मेनली 4 चैप्टर बाकी रह गया, और इंटीग्रेशन में कुछ पार्ट्स बाकी है उसको लेकर, और मतलब कि आधा वो बाकी है और आधा जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है चैप्टर वो जो है ज्यादा उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, शुरू के 2 एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, बस वही बिहार बोर्ड के लिए बस यही सिलेबस रहता है, बिहार बोर्ड में इतना ही से पूछता है, उससे बाहर आपसे नहीं पूछता। और कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये 4 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर, तो 4 चैप्टर में आपके हो गए वेक्टर, हो गए LPP, हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो हो गया, फिर से आपका 3D हो गया, 3D शेप वाला होता है ना वो वाला हो गया, फिर से आपका हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया, ये 4 चैप्टर है। अच्छा तो अब आप पूछोगे भैया आपका ये तो आप बता दिए, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कहाँ गया, तो भैया देख लो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सवाल आएंगे भी तो 1 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। और वो जो है एरिया पूछेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वो पूछता भी नहीं है। 2020 में शायद 1-2 सवाल आया था जो कि 60 क्वेश्चन में से मात्र 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ना है हम लोगों को, बस यही 5 चैप्टर मात्र आपका बाकी रह गया, और 5 चैप्टर पढ़ाने में कितना दिन, मुश्किल से 1 महीना, मतलब कि दुर्गा पूजा से पहले चैप्टर खत्म, DP से पहले चैप्टर खत्म, उसके बाद हम लोग मैथ में VVI करेंगे, VVI, ठीक है, क्रैश कोर्स, ठीक है। चल वो तो फालतू बात थी, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये फालतू बात इसलिए थी ताकि जो है सभी बच्चे टाइम पे आ जाए, ठीक है, और किसी का छूटे नहीं, लगता है किसी किसी को आने में 5 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो 5 मिनट हम लोग इधर उधर की बातें कर लेते हैं, उसी लिए जो है हमने ये फालतू बात बता दिया, आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। चलिए तो ये तो फालतू बातें थी, आज जो है हम लोग मजे से क्या पढ़ेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने सम स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा था और आज फिर से सम स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो भैया बोलोगे कि भैया कैसा आदमी है, कैसा भैया है, कुछो बोल दे रहे हैं आके, कुछो पढ़ा दे रहे हैं, ये तो गलत गलत पढ़ा दे रहा है, भागो भागो भागो, इस स्टिक से लेके कपार फाड़ दो इनका, नहीं, क्वेश्चन बोला गया, ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ इंटीग्रल, देखो किस टाइप का इंटीग्रल है, मतलब कि x² - a² के फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आपका x² - a² के फॉर्म में है, तब आपका फॉर्मूला पे बैठा देना है, और सेम टू सेम फॉर्मूला पे बैठा देना है, ठीक है। बस आपको अंदर में क्वेश्चन में अगर आपका इस तरीके से है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देना है, अगर आपका इस तरीके से नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जबरदस्ती मुंह में से निकाल के खींच के लाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग लाएंगे भी, देखना अभी कैसे लाएंगे हम लोग,
तो इस फॉर्म में लाना होगा, और इस फॉर्म में जब आएगा तो ये बड़ा सा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स बाई टू क्या है, एक्स बाई टू रूट अंडर, फिर से वही चीज जो अंदर में है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, लॉग लॉग लगा देंगे, ठीक है। ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स के फॉर्म में, यहाँ पे डीएक्स है ना, तो अगर यहाँ पे टी रहेगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी टी रहेगा, जेड रहेगा तो डी जेड रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना, ठीक। तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड, मॉड लगाना एकदम इंपॉर्टेंट है लॉग के साथ, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम टू सेम, प्लस का सी तो लगता है, बस इजी है। उसी तरीके से यहाँ एक्स में से ए घट रहा था, यहाँ ए में से एक्स घटेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स बाई टू रूट अंडर, फिर से वही चीज, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस का सी। इजी कंसेप्ट, इज इजी, वेरी इजी, मजा आया। चलो अब देखो, अब प्लस वाला में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में कैसे होगा, ध्यान से देखो, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग, फिर से देखो वही चीज, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो तो ये दोनों फॉर्मूला सेम लग रहा है क्या, बस जहां जहां ये वाला अंदर का ये जो फंक्शन है यही सिर्फ अंतर है, बस इसी में, बाकी सब तो सेम है ना, सेम, बस एक फॉर्मूला याद कर लेंगे दूसरा याद हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये भी फॉर्मूला उसी तरीके से, यहां तक तो सेम है ना, सेम। अब उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर बाई टू भी सेम है, साइन बस एक्स बाई ए प्लस का सी, क्या बोलो, फिलाया फिलाया अंदर से फिलाया ना। चलो तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं मारना है, कॉपी में लिख लेना, जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट, या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, जल्दी जल्दी फटाफट, आज जो है मजा आने वाला है, जल्दी जल्दी मारो। चलो लिख लिए आप लोग, जल्दी लिखो यार, कितना देर लगाओगे। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। हमको हमी से चुरा लो, हम अकेले मैथ पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग छापोगे, है ना, छापोगे ना। चलो चलो मिटाते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि ये जो है आप लोग दूर बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आपको लगेगा कि एकदम हम जो है घर में बैठ के घर में क्लास कर रहे हैं, मेरे घर में कोचिंग खुला है और घर में हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है, एकदम आपको नहीं लगने देंगे कि आप जो है बाहर में बैठे हुए हो और कोचिंग कर रहे हो और फ्री में मजा लो, फ्री में, ठीक है, कोई पैसा नहीं, एकदम मस्त से फ्री में और बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। जहां समझ में नहीं आता है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर दो, हाय हेलो कुछ भी, कॉल मत करना, कॉल करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, और साथ में क्या करना, मैसेज करते वक्त बोल देना कि ग्रुप में जोड़ दीजिए, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, डाउट ग्रुप में, डाउट ग्रुप में, लड़की लोग डाउट ग्रुप में जुड़ने से पहले अपना नंबर को हाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस, यह आपका क्वेश्चन है।
चलो तो ये किस फॉर्म में है, सबसे पहले तो आप लोग यह बता दो कि ये जो है कौन से फॉर्म में है, इसका फॉर्म क्या है, मतलब कि जो होता है ना, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो पढ़ा ना, तो इसमें ये किस फॉर्म में है ये आपको बता देना है। तो जल्दी जल्दी बता दो किस फॉर्म में है, फटाफट बताओ किस फॉर्म में है ये। चलो तो ये जो है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसको जबरदस्ती कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ सॉल्यूशन इसको वहां पे रखने दो, इसको यहीं पे कैसे करेंगे देखो। तो रूट अंडर है ना, रूट अंडर कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया जल्दी जल्दी बनाइए ना, इतना धीरे धीरे काहे बनाते हैं। तो भाई साहब सबको समझ में आ जाना चाहिए, सबको बुझना चाहिए। चलिए ये वाला हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, याद करो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला याद है क्या होता था, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ठीक है, प्लस का क्या होता था, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, यही फॉर्मूला होता था, होता था ना, बस यही होता था फॉर्मूला। अब बस इस फॉर्मूला पे आपको इसको डाल देना है। चलो डाल देते हैं हम लोग, डाल दो तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये वाला है आपका ए, ये वाला है आपका एक्स, ठीक है, बस डाल दो एक्स एक्स बाई टू, मतलब क्या एक्स है सिंपल, तो एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। अगर थ्री एक्स स्क्वायर आता तो थ्री एक्स होता, यहाँ पे एक्स बाई टू है, सीधा एक्स बाई टू हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करने का मतलब थ्री का स्क्वायर करने का मतलब नाइन, माइनस एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर करने का मतलब क्या, ए का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर करने का मतलब क्या, तो थ्री का स्क्वायर करने का मतलब आप लोग का नाइन हो जाएगा, नाइन बाई टू साइन इनवर्स सिंपल एक्स बाई ए, एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स आपका एक्स है, ठीक है, एक्स आपका एक्स है, ए क्या है, तो ए आपका थ्री है, तो एक्स बाई थ्री प्लस का सी, यही तो हो गया आपका आंसर। चुलबुल पांडे यही ना हुआ आपका आंसर, बताइए चुलबुल। चलिए मजा आया नहीं है क्वेश्चन करने में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे हम लोग। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आज। वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे हम लोग, फटाफट बताओ कैसे करेंगे। वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या ये भी इस टर्म में है, क्या ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में है ना, देखो तो कैसे सिंपल इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, रूट अंडर वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स आपका ए आपका क्या हो गया, वन हो गया, और एक्स आपका क्या हो गया, टू एक्स हो गया। बोलो कोनो दिक्कत नहीं ना हुआ, चलो देखो ये समझ में आया समझ में ये चीज, चलो फील हुआ, फील आया, अंदर से फील आना चाहिए, समझना नहीं फील आना चाहिए, फील आया, चलो ये बात समझ में। अब देखो फॉर्मूला लगा देते, फॉर्मूला वही वाला एक्स बाई टू, एक्स क्या है यहाँ पे टू एक्स है, तो टू एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर, ए क्या है वन है, तो वन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब टू एक्स का स्क्वायर क्या, फोर एक्स स्क्वायर, सिंपल जो क्वेश्चन आता है वही चलता जाता है।
प्लस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है आपका वन है, तो वन का स्क्वायर मतलब 1/2। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है 2x है, ए क्या है आपका वन है, अब प्लस का सी। फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, टुक टुक कट गया, टुक टुक, और कटने वाला है नहीं कटा। अच्छा भैया इससे इसको मत काट देना, ये 1/2 है, ये ठिट्टा है, ठिट्टा नहीं कटता है। फाइनल आंसर एक्स रूट अंडर 1 -4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस का सी, ये जो है आपका क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ, क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। तो जल्दी जल्दी इसको छाप लो, जल्दी जल्दी, ये वाला नहीं, ये आपका फॉर्मूला है, इसको मिटा देते हैं हम। जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी बना लो, जो करना है जल्दी जल्दी कर लो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है चलो आ जाओ आगे चले। एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे, कॉपी में नोट कर लो। रूट अंडर 16 -9x² dx dx, इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिए, चलो मिटा देते हैं। नोट कर लिए ना, बोलो जल्दी से हाँ या ना, चलो मिटा रहे हैं। बोलने के लिए बोलते हैं ना कि जल्दी से बोलो हाँ या ना, तो मन में बोलना हाँ भैया नोट कर लिए हैं, और ये मत पूछ देना कि भैया इसको लिखना है, ऐसे मत पूछना, ठीक है, गुस्सा गुस्सा आता है अंदर। चलो क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन बनाओ, इंटीग्रेशन ऑफ, रुक जाओ, रूट अंडर x² - 16 डीएक्स, बोल दीजिए बोल दीजिए, फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले लिखना होगा आपको फॉर्मूला क्या होता है इसका, ध्यान से देखो क्या होता है फॉर्मूला इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर x² - a² प्लस का, सॉरी -a²/2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर x² - a² प्लस सी, ये होता है, बस इस पे डाल दो बन जाएगा, डाल देते हैं आ जाओ। कैसे डालेंगे, सबसे पहले x क्या है हमारा, x तो सिंपल 1x है, x बराबर तो सीधा सिंपल 1x है। a क्या है हमारा, ये क्या होगा 16 4 हो जाएगा ना, बोलो ना भैया इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, रूट अंडर x² - 4 का² dx, तो हो गया ना a बराबर 4। अब देखो फॉर्मूला बैठा दो, तो x के जगह पे x रह जाएगा x/2, रूट अंडर जो अंदर में है क्वेश्चन में, तो x² - 16 ए स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4, 4 का क्या हो जाएगा 4 है ना, ए स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा। चलो -a² मतलब 16/2 log
एक्स एक्स क्या है तो सिंपल एक्स ही है, प्लस का रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन और प्लस का सी, बताओ बहुत इजी है ना ये चैप्टर, बहुत इजी है, डायरेक्ट एक्स और ए पता रहना चाहिए उसके बाद बना लेंगे। चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कितना भी भारी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए मतलब 4 किलो का फिर भी आप लोग छोड़ दोगे है ना, नहीं 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 छोड़ना नहीं है, चलो आगे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। चलो चलो बच्चा पार्टी मिटाते हैं। अच्छा कल वाले आइलेट चचा याद है ना आपको, जो चचा विधायक थे आइलेट चचा जो विधायक थे उसको भूलना मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग आपका हिला सकता है यह क्वेश्चन। देखो हिंट देते हैं थोड़ा सा हिंट दे आपको, बोलो थोड़ा सा हिंट दे क्या बोलो, नहीं जी बना लोगे कि बताना पड़ेगा। बोलो जल्दी, एक मिनट पानी पी लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ पानी पी लेते हैं बस फिर बताते हैं। चलो हो गया पानी जो है हमने पी लिया, अब जो है आते हैं यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। अच्छा देखो आपको हम बोले हैं कि बनाओ इसको तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो तो इसको अगर इसको हम लोग क्या करें 17x² है ना, 17x² एक्स स्क्वायर तो ठीक है ठीक है, लेकिन 17 हमको दिक्कत कर रहा है ठीक है, जो दिक्कत करता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो 17 से हम लोग क्या करते हैं 17 को हटाना चाहते हैं तो 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 17 से इसमें डिवाइड हुआ तो इसमें भी होगा, मतलब पूरे में 17 से डिवाइड कर दे और डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो लो हम लोग क्या किए 17x² -11 बटे का 17 कर दिए, एक मिनट चलो ये कर लिए। अब देखो तो मल्टीप्लाई में भी 17 करना होगा, बोल दिए। अब देखो ठीक है भैया आपने ये कर दिया ठीक, तो हमको यहां से क्या मिला ये 17 को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से रूट में बाहर निकलेगा 17 को, सिर्फ अगर बाहर निकालेंगे तो किस चीज में बाहर निकलेगा रूट में बाहर निकलेगा, रूट में बाहर निकला इनटू अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में आपका क्या बच जाएगा 17 दोनों में कर दो तो 17x² / 17 और -11/17 इस तरीके से dx, फाइनल क्या हुआ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 17 इनटू रूट अंडर। अच्छा ये 17 क्या है हमारा कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो रूट अंडर 17 सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुआ नहीं हुआ। अब देखो इसे 17 से ये 17 टुक टुक कट गया तो x² -11/17 बचा dx बचाना। अब क्या है अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, आपको हमने x² -a² वाला फॉर्मूला बताया है ना रूट अंडर x² -a² वाला फॉर्मूला, बस वो फॉर्मूला लगा दो, कहाँ गया डस्टर भैया। चलो तो वो फॉर्मूला हम लोग लगा दे क्या,
लगा देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? तो 17 को इधर ही नाम दे दो अभी, रूट 17 इंटू ब्रैकेट में फॉर्मूला, इसको हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है x बाई टू, एक्स बाई टू, तो x सिंपल x ही है, तो x बाई टू, एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर, रूट के अंदर जो रहता है वह चीज एक्स स्क्वायर माइनस 11 बाई 17, इस प्रकार से बोलो, माइनस का ए स्क्वायर, ए क्या है, ए क्या है, 11 बाई 17 है ना, तो बस 11 बाई 17 का स्क्वायर कर देंगे, 11 बाई 17 का स्क्वायर कर देंगे ना, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे? आप लोग बोलो, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है कहीं पे? 11 बाई 17 क्वेश्चन तो सही है, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला एक बार याद करो, तो फॉर्मूला होता था एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये होता था फॉर्मूला, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, लॉग के बाद कुछ कुछ ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू, मतलब क्या हुआ? अच्छा, तो ये आपका ए स्क्वायर के बराबर ही तो है, आपका ए स्क्वायर के बराबर ही है, तो यहाँ पे देखो ना, ए स्क्वायर के बराबर ही है ना 11 बाई 17, तो बस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, यही तो है ए स्क्वायर बाई 2, तो बस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 11 बाई 17 इंटू 1 बाई 2, मतलब कि नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 11 बाई 34 हो जाएगा, ठीक है, लॉग लॉग रूट अंडर एक्स, एक्स क्या है, तो सिंपल एक्स है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, तो 11 बाई 17 है, 11 बाई 17 प्लस का सी, बोलो कोई दिक्कत हुआ, एकदम इजी तरीके से बन गया ना, बस यहाँ पे हमें कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन हमने फिर सोचा कि भैया ए स्क्वायर ही तो रहता है ये वाला चीज, तो बस सिंपल कर लिए, तो बताओ मजा आया ना, फील आया अंदर से, ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो फिर से आप एक बार पीछे करके वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, चलो जल्दी से इसको छापो, फिर जो है आगे चलते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 16x स्क्वायर प्लस का 25, यही क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे क्या है, x बराबर आपका क्या है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4x, ठीक है, और a बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, बोलो हो जाएगा ना 5, बताओ x बराबर 4x और a बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है, देखो तो हो गया, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, रूट अंडर 4x का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर, यही होता है, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है, तो x बाई टू, तो x क्या है यहाँ पे 4x है, 4x बाई टू रूट अंडर
ये वाला चीज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टोटल यही चीज लिखा जाएगा, तो 16x² और प्लस का 25 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। बीच में क्या होता है, माइनस या प्लस होता है, तो बीच में आपका यहाँ पे प्लस होता है और ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू मतलब 5 स्क्वायर, तो मतलब 25/2 लॉग मोड एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स आपका 4x है, 4x प्लस का प्लस ही है ना, बीच में प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कि 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 25 अब मॉड प्लस का सी आंसर। बताओ कितना इजी है ना, इजी। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर जो है आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर जो आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतना क्वेश्चन में आपको फील आ गया होगा, और क्वेश्चन आपका इसी लेवल का आएगा, इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 16 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे का x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या करेंगे इसमें। आपको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है, सब्स्टिट्यूट करना पढ़ाया है, मानना पढ़ाया है, तो बताओ क्या करेंगे, किसको किसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको log x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे x दिखाई दे रहा है 1/x, तो log x अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते तो 1/x मिल जाएगा। सिंपल आलम कर देते, लेट कर लेंगे, लेट log x बराबर का t, हमने क्या माना log x बराबर t मान लिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, t का क्या हो जाएगा dt by dx हो जाएगा, मतलब क्या आया आपका 1/x into dx बराबर dt। अब देखो ना, ये है ना 1/x into dx, बस पुट कर देंगे वहां पे, क्या पुट कर देंगे, इसके बराबर dt पुट कर देंगे। आ जाओ रूट अंडर क्या हो जाएगा, 16 का 16 ही रहेगा, प्लस का log x इसको माना, t को माना, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर इन टू 1/x dx है ना यहाँ पे, तो उसके बदले dt हो गया। अब भैया इस फॉर्मूला को तो आप लोग जानते हो, इस फॉर्मूला को तो आप लोग भली भांति जानते हो, बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, आज से 400 साल पहले। क्या पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों तो सेम ही चीज है। तो इस फॉर्मूला को हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सीधा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बाई टू, एक्स क्या है यहाँ टी बाई टू ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब जो है अंदर में, तो यही चीज हो जाएगा 16 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, तो ए क्या है यहाँ पे 16 है, तो 16 अब बाई टू ए स्क्वायर बाई टू 16/2 ठीक है। अब देखो log, अब log फ्री में आता है, मॉड एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे तो टी है, तो टी प्लस का प्लस होता था ना, हाँ टी प्लस यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस टी का स्क्वायर प्लस का सी, यही होता था। अब देखो ये चीज तो लिख लिए, अब जहां जहां टी है वहां वहां लॉग लगा दो। चलो टी बाई टू मतलब लॉग एक्स बाई टू सिंपल, रूट अंडर 16 प्लस टी स्क्वायर, तो 16 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर ठीक है, प्लस 16 बाई टू
लॉग लॉग मॉड टी टी के जहां पे क्या लॉग एक्स अब प्लस 16 प्लस टी स्क्वायर के जहां पे क्या लॉग एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स का मॉड क्लोज प्लस का सी आंसर। बोलो कितना मजा आया क्वेश्चन करने में, बताओ कितना मजा आया या क्वेश्चन करने में, आया ना मजा? तो जल्दी से इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो मिटाते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1 डीएक्स। चलो बनाओ जल्दी से इसको, यही क्वेश्चन है। चलो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। देखो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, कैसे, तो एक्स डीएक्स है ना, तो इसको हम लोग गायब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको गायब करना है। तो आ जाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, लेट लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, अगर एक्स यहां से एक्स का पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो एक्स आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब क्या, हमको एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक्स इधर ही रहेगा डी एक्स उधर चला गया, तो एक्स डी एक्स बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब डी टी बाई 2 आ गया एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स के बदले हम लोग क्या डाल सकते हैं, डी टी बाई 2 डाल देंगे, बस डाल दो वहां पे, तो एक्स डी एक्स बाद में लिखेंगे, रूट अंडर एक्स का पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर को टी माना है, तो मतलब टी का स्क्वायर अब प्लस 1, कोई दिक्कत, और एक्स डी एक्स के बदले तो डी टी बाई 2 आया ना, तो डी टी अब बाई 2, मतलब क्या आया 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ गया रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब इसके आगे तो सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लो, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व हो जाएगा, जहां जहां टी आएगा वहां वहां क्या डाल देना, एक्स स्क्वायर डाल देना, हो गया आंसर। बोलो इजी है ना, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके आगे आप लोग बनाना खुद से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और आज भी आपको डीपीपी मिलेगा, डेली मिलेगा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल देंगे हम उसका लिंक पीडीएफ में, और साथ में आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डीपीपी लिंक करके, डीपीपी लिंक, ठीक है। चलो मिटाते हैं, चलो एक और क्वेश्चन, अभी बहुत टाइम बाकी है ना, बहुत टाइम बाकी है, कुछ बच्चे भाग रहे हैं भागने, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तीसरा खोलना पड़ेगा, खोल लो नहीं तो डूब जाओगे, कहां मैथ में, मैथ डुबा देगा अगर नहीं खोलोगे तीसरा। चलो चक्कर कहां गया, ये देखो सेम यही क्वेश्चन क्या है, 2x² + 3x + 4 इस तरह का क्वेश्चन, तो भैया आपने बताया नहीं, इसका फॉर्मूला आपने कहां कुछ बताया, तो भैया इसका फॉर्मूला आपने नहीं बताया, धोखा दे दिया हमको, क्या करें अब हम, नहीं हमने धोखा नहीं दिया,
हम आपको इसको बताएंगे कैसे बनेगा। ध्यान से देखते चलो कैसे बनेगा, या चलो आ जाओ कैसे बनेगा। तो 2x² + 3x + 4 है, 2x² + 3x + 4 है। अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और इधर से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें से ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अगर लेंगे इसमें से 2 तो नीचे में 2 आना चाहिए था, बोलो आना चाहिए था ना। तो मान लो कि अगर हम लोग इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 2 हट जाएगा तो x² बच जाएगा, यहां से 2 हट जाएगा तो 4 बच जाए। अरे 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 अरे, अरे आप ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा और यहाँ 3/2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद कुछ कुछ बात बने आना। चलो तो हम लोग क्या करें, एक यह तरीका हो गया कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, और एक और यह तरीका होगा कि हम लोग यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब 2x² + 3x प्लस का 4 अब बटे का 2, ये दिक्कत dx बाहर। अब क्या हुआ, ये √2 बाहर निकाल लो इस तरीके से, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, क्या बच जाएगा अंदर में? 2 से 2। अब सबको अलग अलग कर लो, 2x² / 2 प्लस 3x / 2 अब प्लस 4/2, कोई दिक्कत नहीं हुआ dx यहां पे, और ये सभी रूट में। अब देखो ये तो √2 का √2 रह जाएगा इन टू टुक 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 हो गया। क्या बचा रूट अंडर? x² + 3x / 2 अब प्लस 2 का प्लस 2 और dx ये बच गया। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखते चलो। √2 के जगह पे √2 रहने दो इन टू। अब देखो रूट अंडर एक्स को क्या लिख देंगे, x² लिख देंगे, ठीक है। प्लस इस √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ बीच में जगह छोड़ दो, प्लस ज्यादा जगह छोड़ते हैं, प्लस √2 को क्या, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो कोनो गुना हो गया? नहीं हुआ कोई गुना, क्योंकि अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, कोई गलती नहीं किए हम लोग, नहीं ना किए। अब देखो अब यहाँ क्या है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × a × b, 2ab फॉर्मूला होता है ना, तो 2 तो फ्री में 2 × ठीक है ab। a क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, a क्या है, a बोलो, a आपका x है, x × b क्या है √2 है, बी क्या है √2 है। नहीं 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 बात नहीं बना, बात नहीं बना, चलो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, चलो छोड़ दो इसको। चलो अब देखो वो तो ठीक है, 2 × a कर दिए। अच्छा बी अब लाना है यहां पे 3x / 2, एक्स है 3x / 2 लाना है, तो जिसमें से कि x है हमारे पास 3xy2 लाना है ना, तो जिसमें से कि x है हमारे पास तो कितना से इंटू करना पड़ेगा, x भी है और 2 भी है, मतलब 2x है हमारे पास, क्या है 2x है। अब 2x में कितना से इंटू करेंगे कि हमारा 3x / 2 आ जाए, तो ध्यान दो कितना से इंटू करेंगे, अगर 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, 3 से इंटू करेंगे तो नहीं आएगा, बोलो 3x / 2 लाने के लिए, अगर 2x में 3x / 2 लाना है ना, तो क्या करें कि हमारा 3x / 2 आ जाए, बताओ बताओ बताओ, 3x / 2 लाना है, बाई 2 आना चाहिए कैसे भी करके, बाई 2 आना चाहिए। तो अगर हम लोग बाई 2 यहाँ पे कर देते हैं तो ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा, 3/2 अगर कर देते हैं
3/2, कोई दिक्कत, 3/2x तो आ जाएगा वहां पे। अगर यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई कर देते तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, 3/2 मल्टीप्लाई करने से नहीं हुआ, तो 2 से 2 कटेगा, 3x ही आया, नहीं काम बना, नहीं बना, ठीक है, 3/2 चाहिए। तो यहाँ अगर 3/4 कर देंगे तो आ जाए, देखो ना 2 से 2 काट देंगे तो 3x आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, मतलब 3x/2 आ रहा है। बताओ अब काम बन गया 3/4, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/4 है ना, तो a तो आपका x है, चलो b क्या आ गया, 3/4, b आ गया 3/4, 3/4 याद करो, 3/4 तो b स्क्वायर होता है ना, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो, 3/4 का स्क्वायर, अब बच गया 2, बच गया ना 2, अब 2, अच्छा ये 3/4 कहां से है, अगर हम लोग इसमें प्लस कर रहे हैं 3/4 का स्क्वायर प्लस कर रहे हैं, तो 3/4 का स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, और प्लस का 2 का 2 रहेगा ही, इस प्रकार से बोलो, यहां तक समझ में आया, क्या किए हम लोगों ने, हम लोग क्या किए कि रूट टू को बाहर निकालिए, रूट टू को बाहर निकाले तो यह बचा हमको, तो एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब फॉर्मूला हमको पता है 2ab होता है, 2ab a into b, 2 हमको पता है क्या है, a हमको पता है x है, b हमको नहीं पता है, लेकिन हमको यहाँ लाना है 3/2x, तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2x आएगा, तो 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा तो यही तो हो गया हमारा b, तो b हमको आ गया क्या 3/4, तो b 3/4 आया, तो b स्क्वायर होता है बाद में, तो प्लस 3/4 का स्क्वायर, अगर 3/4 हम लोग कहीं से लाए हैं तो उसको भगाना भी पड़ेगा, तो भगाने के लिए प्लस 3/4 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कर दिए, तो ये दोनों बार फिर से करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा, सॉल्व करो ना इसको, फिर से यही चीज आ जाएगा, चलो अब प्लस 2 का 2 कर दें, अब बस इसको सॉल्व कर दो ना, अगर फिर से अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आपका यही चीज आ जाएगा, तो हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। चलो तो अब देखो ये चीज आ गया, अब आप इस पूरे को, इस वाले को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, तो रूट टू का रूट टू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दोगे, रूट अंडर, पूरा में रूट अंडर एक्स प्लस क्या लिखोगे, एक्स प्लस 3/4, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करो तो 3/4 मतलब 9/16 माइनस 2 क्या आएगा, 16, 9 माइनस 32 मतलब माइनस कितना आएगा, 23 आएगा ना, माइनस 23/16 तो आ गया माइनस 23/16, कोई दिक्कत हुआ, कोई कष्ट, परेशानी, दुविधा, कोई भी कुछ भी कुछ कुछ नहीं हुआ। चलो अब देखो इसको मिटा रहे हैं, चलो यहां तक समझ में आया, यहां तक अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाके देखो, फिर से पीछे जाओ देखो, अब देखो हम लोग इतना कर लिए, ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, सर्दी हो गया है भाई, इसमें कुछ और तरीका बनाया है, इसको आया 23/16, हमको तो 23/16 आया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम लोगों का भी सही है, 9/16 हम लोग पाया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का सही है, बहुत बड़ा आंसर है यार, इस क्वेश्चन को तो बनाते रह जाओगे, कैसे बनाओगे, यहां dx था, इसको मान लो t, x प्लस 3/4 बराबर t मान लो, तो ये हो जाएगा 1
प्लस 3/4 का 0 और dt by dx हो जाएगा। तो क्या आ गया, dx बराबर dt आ गया। अब तो dx बराबर dt डाल दोगे, इसके बदले डाल दोगे, मतलब कि देखो यहाँ पे पेन चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो ना, इसके बदले क्या डाल दोगे, ये रूट टू का रूट टू रह जाएगा, देखो यहाँ पे रूट टू का रूट टू रह जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस थ्री बाई फोर का स्क्वायर। तो x प्लस थ्री बाई फोर बराबर t माना है, तो t का स्क्वायर माइनस 23/16, माइनस 23/16। dx बराबर dt आ गया हमको dt, और ये रूट में है, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बन जाएगा। जहां जहां टी आएगा वहां वहां यह चीज डाल देना, आपका आंसर निकल जाएगा। अब तो बना लोगे, इतना कर दिया अब तो बना लोगे ना, चलो बना लेना, बहुत इजी है, इजी है, हम झूठों में डरा दिए हैं आपको कि भारी है। इसके बदले बस हम लोग मान लिए, मान लिए तो dx / dt आ गया, समझ में आया ना, चलो आ गया समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आया तो पीछे करो वीडियो को, फिर से समझने की कोशिश करो। चलो मिटा दे, जब नहीं समझ में आया, एक बच्चा से पूछे हम कि भाई साहब आपको समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं, समझ में आता है, तो उसने बोला कि भैया अगर समझ में नहीं आता है ना तो क्या करते हैं, वीडियो को दोबारा देख लेते हैं, लो भी देख लो, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। क्या टिकटॉक नहीं स्नैप वीडियो चल रहा है आजकल, मेरे भी वीडियो में आने से पहले आपको ऐड आया होगा स्नैक वीडियो का, मे भी आया होगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर रहे हो ना, गलत बात नहीं करना। एक चीज टिकटॉक से छुटकारा मिला है तो फिर से घुसेंगे नहीं उस चीज में, गलत चीज है, नहीं करेंगे। चलो मिटाए, अब मिटाए क्या, क्लास को ऑफ करते हैं, एक और क्वेश्चन कर ले, चलो नहीं करेंगे, क्या करें, एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लिए ना आप तो आपका दुनिया कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो अब जो है आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको डीपीपी दिया जा रहा है, उसको बना लेना, साथ में एक्सरसाइज। अब जो है आपका इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपका एक्सरसाइज 7.7 बन जाएगा, एक्सरसाइज 7.7 बना लेना, ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 बना लेना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बात और सुन लो, तब तक मतलब कि आप लोग जितने भी लोग नए बार जुड़े हो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, और डेली आप लोग जो है क्लास किया करो, तभी जाके आपको समझ में आएगा। लॉकडाउन ऐसे ही है, परेशान हो रहे हो और एग्जाम होगा ही होगा, जैसे कि जेई नीट का एग्जाम हो रहा है उस तरीके से आपका एग्जाम होगा ही होगा, टाइम पे ही होगा, इसलिए प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बात याद रखना, हमेशा वन टीचर वन बुक एंड मल्टीपल डिवीजन, मतलब क्या हुआ, एक टीचर से पढ़ो, हमसे, हम अपने लिए नहीं बोले, मतलब जो ऑफलाइन ऑफलाइन बोल रहे, ऑनलाइन के लिए नहीं, ऑनलाइन तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। वन टीचर वन बुक एंड मल्टीपल रिवीजन, मतलब एक टीचर से पढ़ो, एक ही बुक बनाओ और मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है, मतलब रिवीजन बहुत सारा बुक एक ही बनाना है, एक ही बुक से बहुत सारा रिवीजन करना है, ठीक, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।